सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपके पास मोटो G25 5G मोबाइल दोस्तों आप उसमें कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए करना है, सिंपली अपने मोबाइल के डायलॉग को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना। डायलॉग को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह पर शो हो जाएगा। शो होने पर आपको साइड में थ्री डॉट देखने को मिलेगा, आपको सिंपली उस पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटिंग्स का, आपको सिंपली सेटिंग्स वाले पे क्लिक कर देना है। सिंपली आपको सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग का, आपको सिंपली कॉल रिकॉर्डिंग वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड, दोस्तों आपको ये वाला टिक इनेबल करना है। टिक इनेबल करने के बाद आप दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑलवेज रिकॉर्ड का, आपको सिंपली उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप दोस्तों आपके में जब भी किसी अनाउन नंबर से कॉल आएगी और दोस्तों आपके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, या दोस्तों आप किसी पर्सनल नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड दिस नंबर, आपको सिंपली उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। शो होने के बाद आप दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा जो उस एक कॉन्टैक्ट का, आपको सिंपली उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपके जो भी नंबर पर दोस्तों आप लगाना चाहते हैं पर्सनल नंबर पर, जैसे कि दोस्तों मैं इस नंबर पर लगाना चाहता हूँ तो इस नंबर पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब दोस्तों जब भी इस नंबर से कॉल आएगी दोस्तों आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बैठ के मिलेगा वीडियो में।